आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अपने यहाँ का मौसम दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। हो सकता है अभी आज रात में भी बारिश हो। यहाँ तो 3 दिन से लगातार रात दिन बारिश हो रही है, और ठंड का तो मौसम है ही, क्योंकि जनवरी का मंथ चल रहा है, तो इसलिए जनवरी में तो ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, और ठंड के साथ साथ अगर बारिश हो जाए तो फिर ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखो क्या होता है। चलिए हम आप लोगों को अपना बाहर का सीन दिखाते हैं कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, कितना हमारे यहाँ पानी बरस रहा है। तो चलिए हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का सीन। आप लोग हमारा पूरा ब्लॉग देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए मौसम का आनंद लेते हैं। आज हम कई दिनों के बाद अपनी छत पर जा रहे हैं, क्योंकि बारिश होने की वजह से हम छत पर नहीं आए थे। आप लोग देखिए, हमारे पेड़ पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। हमने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, तो हमारे पेड़ बहुत अच्छे थे। इधर हम लोग घर पर नहीं थे, सब लोग हॉस्पिटल में थे, इसीलिए देखिए पेड़ हमारे बिल्कुल मुरझा गए हैं पूरी तरह से। सारी पत्तियां पीली हो गई हैं, और ये देखिए बारिश की वजह से छत पे भी काफ़ी गंदगी मची हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। बिल्कुल भी धूप नहीं है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, और ये लगातार 3 दिनों से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो मौसम ऐसे ही बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा मौसम है हमारे यहाँ का। नहीं हो रही है, वैसे बारिश होती है तो अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ठंड के मौसम में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कपड़े भी नहीं सूखते हैं। कपड़े हमारे ढेर लगे हुए हैं, धुले हुए रखे हैं, ड्रेन करके मैंने रखा है मशीन में, लेकिन वो अभी तक हम उसको फैलाए नहीं हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पर पानी बरसने लगता है, इसलिए हम छत पर लाने ले जाने की वजह से अभी तक फैलाए नहीं हैं। कपड़े सारे मशीन में ही पड़े हुए हैं, जब मौसम खुल जाएगा तभी हम कपड़े फैलाएंगे। तो देखिए, देखने में तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना मौसम लग रहा है। इस टाइम ठंड भी नहीं है, क्योंकि ये 3:30 बजे का टाइम है, तो ठंड नहीं है, और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। अब हम लगाएंगे नेल पेंट, क्योंकि हमने आपको उस दिन वीडियो दिखाई थी तो हमारी सारी नेल पेंट सूख गई थी। कोई भी नेल पेंट ऐसी नहीं थी कि जो हमारे नाखूनों में लग सकती, तो हमने दूसरी नई नेल पेंट मंगा ली है, और हम आज उसको लगा रहे हैं, क्योंकि नाखून बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। जो पुरानी नेल पेंट हमारे नाखूनों पर लगी हुई थी वो पूरी तरह से छूट रही थी, तो नाखून बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। पैरों के जो नेल पेंट थी, पैरों की भी छूट गई थी, तो हम आज देखिए हाथ और पैर दोनों में नेल पेंट लगा रहे हैं, लगाएंगे, क्योंकि हाथ और पैर दोनों ही नहीं अच्छे लग रहे थे। पैरों का तो इतना नहीं था, क्योंकि पैरों में अभी इस टाइम हम मोज़े पहने रहते हैं, क्योंकि ठंड का सीज़न है तो मोज़े पहने रहते हैं, तो पैरों में अगर नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी आ गई थी नई नई, तो मैंने सोचा हाथ और पैर दोनों जगह पर लगा लेते हैं। और आज हमने खाने में बनाई थी सुबह पकौड़ी, तो पकौड़ी सब ने खाई थी। आयुष्मान का बड़ा मन था, 3 दिनों से ये कह रहे थे हमको खिचड़ी खानी है काली दाल की, तो आज हमने इनके लिए खिचड़ी बनाई है, और ये खिचड़ी दूध के साथ बहुत पसंद करते हैं, तो इनको हम खिचड़ी देंगे दूध के साथ। देखिए, ये दूध के साथ खिचड़ी खाते हैं, इनको घी के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इनको खिचड़ी नहीं पसंद है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दूध के साथ ही खिचड़ी खाते हैं, और इनको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर दूध नहीं होता है तो ये घी के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये चटनी और अचार के साथ, दही के साथ तो बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं खाते हैं। तो देखिए कितने खुश हैं, आज इनको खिचड़ी मिली है 3-4 दिनों के बाद। काफ़ी कहने पर इनको, मैंने सर्दी की वजह से खिचड़ी नहीं बनाई थी, मैंने कहा था ठंड का मौसम है और अभी हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन आज मैंने बना दी है। और ये देखिए बिटिया हमारी लेटी हुई हैं, इनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अभी इनकी तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो ये स्कूल तो जा नहीं रही हैं, घर ही पे बैठ कर ही ऑनलाइन अपनी क्लासें करती रहती हैं, तो अभी सब यही चल रहा है।